अजमाइन गांव में वर्षों से पुल का काम अधूरा पड़ा है। बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण रास्ता तय करते हैं। वर्षों की मांग के बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या का कोई हल नहीं निकला है। मामला मेहर के गांव मड़ी अजमाइन का है, जहां वर्ष 2008 में स्थानीय नेताओं ने गांव वालों को पुल बनवाने का आश्वासन दिया था। पुल निर्माण का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार पुल का काम अधूरा छोड़कर ही भाग गए। ग्रामीण आज भी पुल की आस लगाए बैठे हैं। हर चुनाव में ग्रामवासी पुल निर्माण को पूरा करवाने की मांग करते हैं, पर उनको आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। गांववासियों का कहना है कि रीवा जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, अगर पुल बन जाएगा तो उन्हें बहुत सुविधा हो जाएगी। लेकिन नेताओं से कई बार मांग करने पर भी उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी है। समस्या यह है साहब, बाढ़ आ गई नदी में, रास्ता पूरे जाम हो चुके हैं। हम 25 स्टूडेंट हैं पढ़े लिखे वाले, लेकिन रास्ता इतना पुल बाढ़ चुकी है कि अब कहाँ नहीं जा पा रहे हैं। 4 महीना बस फंसे रहब। बाढ़ के कारण हम बचे रीबा नहीं जा पाई, पढ़ाई लिखाई सब बंद ही है। समस्या ही पुलिया नहीं बने, 2007-08 से काम बंद है, चालू नहीं होता है। हर दर की आवत है, नेता कहा थे चालू होई बनवाओ, बनवा में नहीं को। समस्या ये है कि अच्छी सड़क व पुल न होने के कारण आवागमन प्रभावित हो जाता है। बरसात में अधिक जल भराव होने के कारण लोग नदी को पार नहीं कर पाते हैं। पुल है नहीं तो आवागमन पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समस्याओं से वंचित रह जाते हैं लोग। मरीजों का समय से इलाज नहीं हो पाता है। लगभग इसमें नहर के निर्माण के समय 2007-08 में इसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसके बाद कुछ कार्य होने के बाद कार्य रुक गया, उसके बाद से यह कार्य अधूरा है। इसमें से कम 10 से 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें मढ़ी अजमाइन है मुख्य रूप से, और भदवा, जगहथा, केमलाहा, झिन्ना, ककलपुर, सनेही जैसे गांव प्रभावित हो रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।